नमस्कार, मैं हूं सतीश तंबोली और मेरे साथ मौजूद हैं तुकाराम चंद्रवंशी जो युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष हैं कबीरधाम जिले के। इनसे व्यक्ति परिचय के कार्यक्रम के तहत वो आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में और उनसे उनके बारे में जानना चाहेंगे, उनका संक्षिप्त परिचय भी लेंगे और वे अपनी पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या है विजन, संपूर्ण चर्चा उनसे अभी हम करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में तुकाराम जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप युवाओं को एक मंच दे रहे हैं लोगों तक पहुँचने के लिए, अपनी बात पहुँचाने के लिए, संवाद करने के लिए, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं एक साधारण गांव से निकल कर छात्र राजनीति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। विगत 10 साल से मैं छात्र राजनीति से लेकर आज इस जगह पर पहुंचा हूं और अभी वर्तमान में मैं युवा कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष कवर्धा हूं और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैंने पंडरिया विधानसभा सीट से एक दावेदारी भी पेश की है। अच्छा, अभी अपने पार्टी को किस स्थिति में देख पा रहे हैं अपनी विधानसभा की अगर बात करें तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है कवर्धा विधानसभा में और पंडरिया विधानसभा में, दोनों विधानसभा में मजबूत स्थिति पर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनी है, सरकार की जो कमियाँ हैं उनको गिनाते रहे लगातार और लोगों की जो बात है, लोगों की बात अगर हम करें, समस्या जो है दिन ब दिन लोगों के सामने एक वृहद पहाड़ सा खड़ा हुआ है। उन सारी समस्याओं को लड़ने के लिए हमारे नेता लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए हैं और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो है दोनों विधानसभा में मजबूत स्थिति पर दिखाई दे रही है। सामने जो चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसी स्थिति में अगर बात करें मुद्दे की, किन किन मुद्दों को जो है लेके आप जो है जनता के समक्ष जाओगे अपनी ओर जो वोट मांगने के लिए? अभी देखिए, कांग्रेस जो है सर्वप्रथम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, नरवा गरवा गुरवा और बारी, ये जो नारा है उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार जनहितार्थ मुद्दों को लेकर सामने आई है और उसी तरीके से किसानों चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे एक छात्र जो है छात्र छात्राओं की बात हो, ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इन सारी मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी, स्वास्थ्य की मुद्दा हो, इन सारी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान पर उतरेगी और हमारा जो भी मुद्दा रहेगा हम ये प्रयास करेंगे या हमारी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जाएं या लोगों के सामने जाएं, उन मुद्दों को त्वरित रूप से सरकार आते ही इसका निराकरण करना या जो भी हमारी घोषणा रहेगी उसको पूर्ण करना। क्या अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रत्याशी के बताओ, और अब क्या आप टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे? देखिए, मैंने दावेदारी तो किया है पंडरिया विधानसभा से और लगातार मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ, विगत 10 साल से राजनीति कर रहा हूँ और बहुत करीब से क्षेत्र की समस्याओं को देख रहा हूँ। उस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं और उन सारी कमियों को लेकर मैं युवा हूँ, सबसे पहले मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी जो जिले के लाखों बेरोजगार युवा साथी, शिक्षित बेरोजगार युवा साथी है, उनको रोज़गार मुहैया कराना। किसानों के सामने जो वृहद स्थिति है, किसान आज आत्महत्या करने के लिए आतुर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, विवश होना पड़ता है। किसानों की समस्या, चाहे वो धान की समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, सर्वाधिक फसल हमारे क्षेत्र में गन्ना का है और जब रमन सिंह की सरकार जब बनी थी तब गन्ने की फसल दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होते जा रही है। एक शुगर मिल गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खोला था, वो नहीं हुआ, दूसरा शुगर कारखाना रमन सिंह की सरकार ने खोली, बावजूद उसके अभी स्थिति ऐसी है कि दो शुगर मिल अगर जिले में और भी खुल जाए तो भी कवर्धा जिले के किसानों का गन्ना नहीं खरीद पाएगी, इतनी मात्रा में गन्ना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मामला है किसानों के लिए और वो एक अभिशाप बनकर रह गया है जिले में। हर व्यक्ति का, हर नेता का एक विजन होता है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, तो आपने भी अपना विजन तैयार करके रखा होगा, तो ऐसा में आप अगर जानना चाहेंगे कि विजन क्या है, किस तरह का विजन आपने तैयार कर रखा है?
देखिए, मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इस क्षेत्र से अगर निकल कर आता हूँ या चुनकर आता हूँ, जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं एक नेता बनकर नहीं, एक पुत्र बनकर व एक मित्र बनकर युवा साथियों के लिए काम करूँगा। मैं गाँव से निकला हुआ आदमी हूँ और गाँव की जो समस्या है उन समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। बहुत करीब से मैंने वो सारी समस्याओं को देखा है और मेरे खुद के ऊपर में वो सारी चीज़ें रही है, तो भली भांति परिचित हूँ। और मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं वो सारी चीज़ों को बहुत आसानी से लोगों के साथ में रहकर कंधे से कंधा मिलाकर वो सारी समस्याओं को दूर कर सकूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम चाहे इस आज कॉलेज की बात करें, ज़िले में 7 महाविद्यालय हैं जहाँ पर हम अगर पढ़ने जाएँ तो भारी मात्रा में बच्चे 12वीं पास होकर कॉलेज में पहुंचते हैं, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के बाद में 60% 65% लेके आने वाले बच्चों को कवर्धा के कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे ज़िले में सीट नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। इससे एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को दबा कर रह जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, या कुछ जो बच्चे हैं वो जिले से बाहर जाके पलायन करके वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, लेकिन बाहर की जो खर्चा है वो खर्चा बच्चा वहन नहीं कर पा रहे, उनके परिवार वाले वहन नहीं कर पा रहे। इससे हजारों युवा या लाखों युवा मैं कहूँगा वो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। रही बात किसी कहीं से भी अगर वो बच्चा शिक्षा अर्जित करके आता है, शिक्षा अर्जित करके आने के बाद में उनके पास में रोज़गार नहीं है, रोज़गार के संसाधन नहीं है हमारे पास में, हमारे ज़िले में ऐसा कोई भी उचित कार्य नहीं किया गया है जिससे जिला के युवाओं को या युवक युवतियों को उनके शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दिया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये थे तुकाराम चंद्रवंशी, जिन्होंने बताया कि उनका विज़न क्या है, अगर पार्टी उस पर विश्वास जताती है तो क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।